अनअकैडमी लाया है 100% श्योर टॉपिक्स फॉर पेपर फर्स्ट बाय तलवीर सिंह। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच कोड यूज करिएगा तलवीरस ऑन अनअकैडमी फ्री क्लासेस। ओके, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सेम थिंग 100% श्योर टॉपिक फॉर पेपर फर्स्ट बाय तलवीर सिंह 27 दिसंबर को, याद रखिए 6:45 पे। कोड यूज करना मत भूलिएगा तलवीर। ओके, ऑन अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म। और अनअकैडमी लाया है मैराथन लाइव टेस्ट ऑन जियोग्राफी, सब्जेक्ट जियोग्राफी बाय अभिषेक कुमार झा, डेली 3 बजे 28 दिसंबर 2021 से लेकर 4 जनवरी 2022 तक ऑन अनअकैडमी फ्री। लेट्स क्रैक इट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इसके लिंक मिलेंगे, आप वहां से क्लिक करके इस पे जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर साहब बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त वीर कुमार सिंह। फंजाई के लेक्चर वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा रहे थे और उसमें हम एस्कोमाइकोटिना के जो एरिसाइफेस ऑर्डर है उस पर पहुँचे हुए थे। और फर्स्ट जो इसका मेंबर था एरिसाइफी, इसके बारे में मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीनुला और फिर एरिसाइफी और एनसीनुला पे बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं उस पर हम बात करेंगे। तो एनसीनुला जो है सबसे पहले तो ये अगर इम्पॉर्टेंट है तो किस लिए है, क्योंकि ये पॉडरी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करता है ग्रेप वाइंस पे। और जैसा कि एरिसाइफेस मेंबर्स का ये फीचर ही होता है कि इनका जो माइसीलियम होता है वो सुपरफिशियल होता है, दैट मीन्स एक्टोफाइट होते हैं, प्लांट्स के अंदर नहीं होते, बाहर लीफ के सरफेस पे ही इसका माइसीलियम आपको मिलेगा और हाउसूरिया वगैरह से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। माइसीलियम की बात करें तो इनका माइसीलियम ब्रांच होता है और सेप्टेशन भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ खास फीचर नहीं है इसके वेजिटेटिव फीचर्स में। रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है जैसे आपको पता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे क्लैडिया होता है, और जैसे कि एरिसाइफी में मैंने आपको बताया था वैसा ही सेम चीज़ इसमें भी है। क्लैडियो 4 इसका अनब्रांच होता है, और जो क्लैडियो 4 पे ग्रो मतलब करते हैं, डेवलप होते हैं, वो बेसिपिटल मैनर में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है, क्लैडियो 4 पे क्लैडिया लगा रहेगा बेसिपिटल सक्सेशन में और वो डिस्पर्स होके फिर जहाँ पे जाएगा फिर वो ग्रो करता, क्योंकि असेक्सुअल बॉडीज हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रिडियम, जो कि जिस हाइफा पे ग्रो करेगा, ये लोअर एक सेल रहता है स्टॉक सेल, उसका जो ऊपर वाला सेल होता है टर्मिनल, वो एंथ्रिडियम बनाता है। ऐसे ही एस्कोगोनियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक स्टॉक सेल पे लगा हुआ होता है, जो बेसल सेल होगा स्टॉक सेल वो उस पर आपका टर्मिनल वाले सेल पे क्या होगा, वो एस्कोगोनियम डेवलप करता है। अब जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो फर्टिलाइजेशन में क्या करेंगे, दोनों फ्यूज करते हैं, प्लाज्मोगैमी होगी, डाइकैरियन का फॉर्मेशन होगा। डाइकैरियन मीन दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज ना रहे, तो यहाँ पे कुछ पॉज देखने को मिलता है। जैसे मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन आप पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, मेल फीमेल न्यूक्लियाई का जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद मेल और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं, पर कुछ एस्कोमाइकोटिना बेसिडियोमाइकोटिना में हेटेरोकैरियन देखने को मिलता है। डैट मीन्स जो मेल और फीमेल न्यूक्लियस होते हैं ये काफी टाइम तक फ्यूज नहीं करते, तो उनमें बीच में एक पॉज आता है। ठीक, तो प्लाज्मोगैमी हुआ, डाइकैरियन फॉर्मेशन हुआ, फिर कुछ समय बाद जो है फ्यूजन होता है न्यूक्लियाई का, जो डिप्लॉयड सेल बन जाएगा, इसके बाद उसमें मियोसिस होगा, फिर माइटोसिस करके एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं, जो कि यूजली 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं इसको माइकोटिना में, 4 या 8। ठीक, फिर फ्रूटिंग बॉडी की बात कर लेते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका ये एस्कोस्पोर्स बनेंगे, एस्कोस्पोर्स आपका किसमें रहता है, एस्कस के अंदर रहता है। बहुत सारे एस्कस को हम एसआई बोलते हैं, और एसआई जो होता है ऐसे ओपनली नहीं ग्रो करते हैं, मतलब कुल मिला के कहानी अभी तक ये हुई कि हाइफा पे एंथ्रिडियम और एस्कोगोनियम बना, उनमें फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद ये सब जो जिसमें फ्यूजन हुआ उसी में से कोई सेल रहते हैं या बहुत सारे सेल रहते हैं जो एस्कस बनाते हैं, और सब में जो है ऐसे ही डाइकैरियन फेज रहता है, सब में न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और फिर वहाँ पे एस्कोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, मतलब एस्कोस्पोर तो अंदर का ये न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक, और जो बाहर वाला रहेगा वो मतलब एस्कस के अंदर ही सारे एस्कोस्पोर रहते हैं, और बहुत सारे एस्कोस्पोर जो होते हैं
फिर कहाँ पे रहते हैं? वो एक फ्लूटिंग बॉडी के अंदर रहते हैं। फ्लूटिंग बॉडी क्या होता है? यही जहाँ पे एंथ्रीडिया एस्कोगोनियम बना था, इसी के चारों ओर के जो वो रहते हैं हाइफी रहते हैं, उसको स्टराइल हाइफी बोलते हैं। वो काफी अमाउंट में ग्रो करके वो पैक कर लेते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक, पूरे एसआई को पैक कर लेते हैं और कहीं से खुला हुआ नहीं रहता। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज क्लिस्टोसीसियम, इसी को हम फ्लूटिंग बॉडी बोलते हैं। और करेक्टरिस्टिकली यहाँ पे जैसे कि मैंने रिसाइफे में बताया था आपने, माइसीलियल अपेंडेजेस रहते हैं, वैसे अनसिनुला पे क्या रहता है? सरसिनॉइड, मैंने यहाँ पे कार्सिनॉइड लिख दिया है, ये गलत है, सरसिनॉइड रहेगा। सरसिनॉइड अपेंडेजेस यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि इसका करेक्टरिस्टिक फ्यूचर है, ठीक। तो अब आते हैं इसके एमसीक्यू पे, देखते हैं पहला एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जिनके आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ग्रुप का भी स्पेलिंग गलत है, फॉलोइंग ग्रुप इज प्रॉपरली कॉल्ड एज पाउडरी मिल्ड्यू, इनमें से किस ग्रुप को हम, एक्चुअली यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखा ही है, ठीक है, तो आप देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रॉपरली कॉल्ड एज पाउडरी मिल्ड्यू, तो इसका आंसर क्या होगा? एरिसाइफेस, क्योंकि हम एरिसाइफेस पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे बोला इनके मेंबर्स को हम यूजली पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, मैच्योर क्लिस्टोसीसियम बियर्स माइसोलॉइड अपेंडेजेस इन, अब मैंने आपसे बताया था कि जो एरिसाइफेस के मेंबर्स हैं, जेनेरा है, मतलब जो जीनस है, उनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उनका जो क्लिस्टोसीसियम होता है जो कि फ्लोटिंग बॉडी होता है उस पर किस प्रकार के अपेंडेजेस रहते हैं उससे। तो एरिसाइफी के जो क्लिस्टोसीसियम होता है उस पर माइसिलॉयड अपेंडेजेस होते हैं, ठीक। ऐसा ही थर्ड वाला हो गया कि मेच्योर क्लिस्टोसीसियम बियर्स सरसिनॉइड अपेंडेजेस। सरसिनॉइड अपेंडेजेस अभी आपने पढ़ा कि अनसिनुला का जो क्लिस्टोसीसियम होता है उस पर जो होता है अपेंडेजेस रहते हैं वो सरसिनॉइड होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, मेच्योर क्लिस्टोसीसियम बियर्स डाइकोटोम्यूजली ब्रांच अपेंडेजेस इन, यार क्लिस्टोसीसियम अगर डाइकोटोम्यूजली ब्लांच या डिजिटेट भी बोला जाता है अपेंडेजेस बियर करता है तो वो कौन सा जीनस है जिसका ये फीचर है? तो इसका फीचर कौन सा है, किसका फीचर है? माइक्रोस्फीरा का फीचर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर पांच पे आते हैं, मैच्योर क्लिस्टोसीसियम बियर्स बल्बस अपेंडेजेस इन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि क्लिस्टोसीसियम कौन सा बल्बस अपेंडेजेस बियर करता है। तो फ्लेक्टिनिया में जो होता है, जो क्लिस्टोसीसियम के ऊपर अपेंडेजेस होते हैं वो बल्बस होते हैं, उनका बेस क्या हुआ होता है? फूला हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पीज इज कॉज बाय पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, अगर आपसे पूछे तो किससे कॉज होता है? तो एरिसाइफे पॉलीगोनाइस, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, क्लिस्टोसीसियम जो कि फ्रूटिंग बॉडी है विथ माइसिलॉयड अपेंडेजेस इज फाउंड इन, माइसिलॉयड अपेंडेजेस वाला क्लिस्टोसीसियम किसमें मिलता है? एरिसाइफी, अनसिनुला, माइक्रोस्फीरा या फिलेक्टिनिया? मैंने आपसे अभी बताया कि माइसिलॉयड अपेंडेजेस कहाँ पे मिलता है? एरिसाइफी मिलता है। और क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन्स इज कॉज बाय, पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है ग्रेप वाइन्स का वो किसके द्वारा कॉज होता है? तो ग्रेप वाइन्स का पाउडरी मिल्ड्यू अभी आपने पढ़ा कि अनसिनुला का ये फीचर है कि वो ग्रेप वाइन्स पे पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करते हैं, तो ये अनसिनुला का फीचर हो गया। तो ये था आपका लेक्चर जो कि एरिसाइफी और इस पे अनसिनुला पे हो गया। नेक्स्ट हम अदर मेंबर्स पे बात करेंगे लाइक न्यूरोस्पोरा एक्सेट्रा, जहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना ऐसे ही ब्रीफ में ही रहेगा, मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक, क्योंकि उससे उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एनजीओ, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।